अब नई बात हो रही है, बुरा ना कोई भारत रत्न, भारत रत्न नाम सुना था भगत सिंह जी के लिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान का युवा लड़ता रहा भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। गलत है ठीक में पूछना चाहता हूं, ठीक है स्टूडेंट, हर पब्लिक का व्यक्ति, मैं मेरे विचार अलग थे, मैं कहा भगत सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जिसने हमें आजाद करा दिया, भारत रत्न है क्या? और भारत रत्न अगर अब्दुल कलाम के हाथों से मिलता तो उसको मैं भारत रत्न कहता, अगर राजनीतिक हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिल गया। मेरा उनसे बड़ा प्यार है, मेरी कोठी आमो सामने थी उनकी, 13 मेरी 14, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पदक मिल सकता है तो मैं समझता हूं आज के बाद जो भी ये नारा लगाएगा, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी का परिवार हो, या लाला लाजपत राय जी का परिवार हो, अगर कोई भी उनके भारत रत्न की मांग करेगा तो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उन शहीदों का अपमान करेगा। भारत रत्न को सड़कों पे हमने रोड के रख दिया, मैं गलत हूं ठीक हूं मुझे मालूम नहीं, पर हिंदुस्तान की राजनीति को देख करके मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारत रत्न का अपमान मत करो। भारत रत्न है उस व्यक्ति को मिले जो दुनिया से चला गया, उस जवान को मिले वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। पर आज एक प्रश्न चिन्ह तक लकीर खींचगी, आज के बाद मेरे से वादा करना इन शहीदों के लिए, भारत रत्न के लिए कभी कोई नारा नहीं लगाएगा, नहीं तो उन शहीदों का अपमान होगा। भारत रत्न ऐसे मिलता? हम सरकार में बैठे हैं, हम सरकार में बैठे हैं, राष्ट्रपति हमारा है, होम मिनिस्टर हमारा है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा है, कैबिनेट हमारी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, इसको कहते राजनीति गुनामी। जरा सोचना भारत रत्न का मतलब क्या है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी को दे दो, पर भारत रत्न हिंदुस्तान में सच अगर पूछना, इस भगवान की भारत माता की कसम को लेने के काबिल नहीं, वो एक ही थे अब्दुल कलाम, देते अब्दुल कलाम पर, और कोई ना था, ना मुझे लगता कोई नया आदमी था, इसलिए इसको बंद डब्बे में रख देना चाहिए था और कई सौ साल इंतजार करते, कौन आएगा भारत रत्न की अहमियत और इतिहास के लिए, जिसको मिलेगा आने वाली जनरेशन, आने वाला युवा जो राष्ट्र का भविष्य है, वो कहेगा मैं भारत रत्न ये करके, कल्पना चावला बनके, एक अच्छी शख्सियत बनके, अमेरिका के अंदर दुनिया का नाम, हरियाणा को एक छोटे से घर की लड़की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करूंगी, उसको मिलता भारत रत्न तो कई ऐसे युवा आपने भारत रत्न राजनीतिक लोगों को देना शुरू कर दिया, राजनीतिक लोगों को भारत रत्न नहीं अपमान है। हम क्या है राजनीतिक लोग, हम अंदर से जानते हैं, और जिस दिन हिंदुस्तान का हर राजनीतिक व्यक्ति जो जिंदगी में उसने गलतियां की है, हिंदुस्तान के बड़े लोग भूले हैं, अगर केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना सकते, बड़े बड़े लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना सकते, भावुक, तो मैं ये जरूर कहूंगा उन राजनीतिक लोगों को, हिंदुस्तान की जनता से क्षमा मांगे जो जिंदगी में गलतियां हुई, मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, जो गलतियां हुई है मैं ना भी गलतियां की हूं, मैं तब भी कहता हूं मैं बहुत गलतियां की हूं, मैं बहुत गलतियां की हूं, मुझे क्षमा करना। हां अपनी जिंदगी के जो अनुभव है राजनीतिक लोग हम आपको बताएं, हम राजनीति में क्यों आते हैं, हम कुर्सी सत्ता में के लिए क्यों पागल हो जाते हैं, हम कुर्सी सत्ता के पा करके फिर दूसरों पे जुल्म क्यों करते हैं, दूसरों को पीड़ा क्यों देते हैं, हम कुर्सी सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का बंटवारा क्यों कराते हैं,